हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित हुआ राज्यपालों का सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश की आकांक्षाओं को पूरा करने की है कुंजी। विदेश नीति रक्षा नीति की तरह ही है शिक्षा नीति। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 300 बेडेड के नए कोविड 19 हॉस्पिटल, वीएसएल 3 लैब, गेस्ट हाउस और 100 सीटेड बॉयज हॉस्टल का किया लोकार्पण। कोविड 19 के अधिक से अधिक नमूनों की जाए जांच, डोर टू डोर सर्वे और इलाज के जरिए संक्रमण की चैन को तोड़ने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बाल रोग संस्थान में विभिन्न लोकार्पण के बाद किया कोविड वार्ड का निरीक्षण। कहा, कोरोना की लड़ाई एक व्यक्ति की नहीं बल्कि देश और प्रदेश की है लड़ाई, सभी लोगों को आना होगा आगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, कृषि विदेश व्यापार व प्रोत्साहन विभाग डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने सोमवार को जिले के संचालित कृषि कार्यों की समीक्षा। खेतों में पराली जलाने पर रोक के दिए निर्देश। कहा, बनाए रहें नजर, कभी भी खेतों में ना जले पराली। राष्ट्रीय पोषण माह का सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने किया शुभारंभ। गर्भवती महिलाओं की गोद भराई, नौनिहाल बच्चों को अन्न प्राशन व मनाया बचपन दिवस। कहा, कुपोषण के साथ बच्चों को बचाएं कोरोना से, कराएं सभी का कोरोना जांच। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे 12 सितंबर से शुरू कर रही है 80 नई स्पेशल ट्रेनें। 10 सितंबर से शुरू होगा रिजर्वेशन। सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही यात्री कर सकेंगे यात्रा। एसडीएम सदर ने शहर में 22 केंद्रों में चल रहे कोरोना जांच केंद्रों का किया औचक निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत होटल और रेस्टोरेंट में जिला प्रशासन ने दी बैठा कर खिलाने की अनुमति। एडीएम सिटी ने कहा, नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल मालिकों पर होगी विधिक कार्रवाई। सीडीओ की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई रैपिड रिस्पांस टीम की बैठक। का होम आइसोलेट किए गए गंभीर मरीजों को कराएं अस्पताल में शिफ्ट, ना बरतें लापरवाही। गोरखपुर में सोमवार को 193 नए कोरोना पॉजिटिव मिले मरीज, 2 की हुई मौत। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 11,311। एक्टिव कोरोना मरीज हुए 2,998। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। तहसीलदार सदर की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोरोना जांच केंद्रों पर ड्यूटी कर रहे राजस्व कर्मियों की बैठक। कोरोना जांच की संख्या को बढ़ाने के दिए निर्देश। और आबकारी विभाग ने 70 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 2 महिला अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आबकारी निरीक्षक ने कहा, अवैध शराब के खिलाफ चलता रहेगा अभियान।